Good morning, students. Welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 2, and we were left with the question answers of chapter number 2. So the very first question is very short answer type question. Name the major nutrients in our food. So the major nutrients which are present in our food are carbohydrates, fats and proteins. Name the following, the nutrients which mainly give energy to our body. So kaun sa nutrient hota hai jo hamari body ko energy deta hai? Wo hame pata hai ki uska kya naam hai? कार्बोहाइड्रेट. क्या नाम है उसका? कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. द आंसर इज प्रोटीन्स. Third is a vitamin required for maintaining good eyesight. So the answer is vitamin A. Fourth is a mineral that is required for keeping our bones healthy. Their answer is calcium. In which genre the main carbohydrates are found in our meal? So कौन से जो genres होते हैं इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज्यादा मिलता है? तो बेसिकली हमें सीरियल्स और जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा मिलता है. राइट, इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या किसे बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ और मेंटेनेंस में हमें हेल्प मिलती है, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. बुक में आपकी डेफिनेशन दी हुई है, आप उसको वहां से लिख सकते हैं. इन विच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स इट कुड बी फाउंड? तो कौन से टाइप के वेजिटेबल्स में हमें ये मिल सकती है? तो हम ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कहाँ से मिल सकती है? वैसे तो सभी तरह की वेजिटेबल्स से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? क्या क्या काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए? वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जरूरी होते हैं. चैप्टर 2 है ये. साइंस का, ठीक है. देन व्हाट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस? तो सबसे पहले तो व्हाट आर कॉल्ड विटामिन्स एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी. तो विटामिन्स किनको बोलते हैं हम लोग? विटामिन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी? विटामिन्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं? विटामिन्स बहुत सारे तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो बहुत सारे तरीके के डिजीजेस हमें हो सकते हैं. जैसे कि अगर विटामिन ए जो है वो हमारी आई साइट के लिए जरूरी है, हमारे गुड आई विजन के लिए जरूरी है. विटामिन बी जो है वो हमारे नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है उसके लिए जरूरी है. विटामिन सी जो है वो हमारी बोन्स और हमारे टीथ और गम उनके लिए ज्यादा जरूरी है. विटामिन डी जो होता है वो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस्ड डाइट? अब बैलेंस्ड डाइट से क्या समझते हैं? बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो यहीं लिख लीजिए. द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस्ड अमाउंट या बैलेंस्ड क्वांटिटी, तो उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है. देन व्हाट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी डिजीजेस हम किसको बोलते हैं? द डिजीजेस व्हिच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. द डिजीजेस which occur due to the deficiency of any nutrient in our body. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी.
ठीक है. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. फिर वही क्वेश्चन आ गया, यही वाला क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर इन आवर बॉडी. तुमको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस तरह से जरूरी है, प्रोटीन्स किस तरह से जरूरी है, फैट्स किस तरह से जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ रफेज फॉर अ ह्यूमन बॉडी. रफेज क्यों जरूरी है? रफेज इसलिए जरूरी है क्योंकि वेस्ट को अगर हमें बाहर निकालना है आउट ऑफ आवर बॉडी तो उसके लिए हमें रफेज बहुत ज्यादा जरूरी है. इन ऑर्डर टू रिमूव, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, टू रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस आउट ऑफ आवर बॉडी रफेज इज एसेंशियल. ठीक है, डिटेल में आपकी बुक में गिवन है, वहां से आप उसको लिख. व्हाई बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर अस. बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है? बैलेंस डाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चला जाएगा और कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में जाएगा. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा. ठीक है, राइट द कंप्लीट मेथड फॉर टेस्टिंग द प्रोटीन इन अ फूड आइटम. प्रोटीन का टेस्ट आपको लिखना है फूड आइटम में, चाहे वो रॉ हो चाहे कुक्ड हो. उसमें आप किस तरह से टेस्ट करेंगे? तो आप क्या लेंगे, एक फूड सैंपल लेंगे, चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो रॉ हो. आप उसके अंदर क्या डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे इसकी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे. उसके बाद आप डालेंगे उसके अंदर कास्टिक सोडा. ठीक है, कास्टिक सोडा डालेंगे तो अगर प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसे हमें ये पता चलता है कि जो फूड आइटम है कुक्ड है चाहे वो कच्चा है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. ये भी आपके बुक में गिवन है. देन टिक द करेक्ट ऑप्शन. आर फूड्स डैश हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. तो आप बोलोगे कॉमनली, या नहीं कॉमनली आप नहीं कह सकते. ठीक है, कॉमनली राइट आंसर इज कॉमनली. यहाँ पर लिखे आप COMMONFY commonly. Then the main dash found in our meal are in the genre of starch and sugars. तो यहाँ पर आएगा right answer carbohydrates. देखें यहाँ पर carbohydrates. Next है all an oily patch on paper indicates that the eatable item have. अगर हमें paper पर oily patch दिखाई देता है किसी फूड आइटम से तो हमें क्या पता चलेगा उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है, फैट्स हैं. राइट आंसर इज फैट्स. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स मेनली गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी. राइट आंसर इज बॉडी. देन मैचअप्स हैं. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. तो राइट आंसर इज आप फिफ्थ को ए के साथ मैच करेंगे. इन एडिशन फूड आइटम्स कंटेन डाइटरी फाइबर्स और क्या होता है उसके अंदर, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. इसको बी के साथ मैच करेंगे. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. इसको सी के साथ मैच करेंगे. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर मील आर इन द जनरे ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. को डी के साथ मैच करेंगे. द फूड आइटम्स मे कंटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. तो ई के साथ मैच. ये मैचअप्स हैं, तो फटाफट नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स व्हिच आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. मोस्ट ईटेबल आइटम्स जनरली हैव मोर देन वन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट. एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हो सकते हैं, या किसी दिन किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों हो सकता है. डैश हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन एनी अदर न्यूट्रिएंट्स. डैश यानी कि किसके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर न्यूट्रिएंट्स. तो आपको सीरियल्स के अंदर जो है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं. डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, डाइट्री फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज. रफेज इज प्रोवाइडेड बाई डैश प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स. तो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर हमें रफेज ज्यादा देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
then take the correct statement and cross out the wrong one. First has several eatable materials themselves have water. Yes, hota hai unke andar. Rice helps our body parts to soak up nutrients from meal. Yes. Eating the right kind of food is not enough. Yes, क्योंकि उसके साथ उसका balanced amount में होना भी जरूरी है. Vitamin A gets easily destroyed by heat during cooking. नहीं, vitamin C destroy होता है. ठीक है. Fibers have no nutritive value. Fibers की कोई nutritive value नहीं होती. बिल्कुल ठीक है. Fiber की कोई nutritive value नहीं होती है. ये बस हमारी body में bulk add करने का काम करता है. उसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है. हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया. फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स, देन एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग आंसर सब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. अब नेक्स्ट हम इसके अंदर करेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर. इस पर चैप्टर नंबर 3 पर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग थोड़े से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा. तो फूड कंटेन्स सेवरल कंपोनेंट्स. यहाँ पर 7 कंपोनेंट्स लिखा हुआ है. ठीक है, 7 कंपोनेंट्स भी आप लिख सकते हो. तो फूड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर आता है. इसमें से अगर हम देखें, फाइबर की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती. फाइबर का कोर्स, फाइबर से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. हमें कार्बोहाइड्रेट से न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन से, फैट्स से, विटामिन से, मिनरल्स से और वाटर इन सबसे न्यूट्रिशन मिलता है. फाइबर से हमें नहीं मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जैसे लिखा भी हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं हमें एनर्जी देने का काम करते हैं. आप जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, तो हमें फैट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं. फैट्स जो होते हैं हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. बट हमें फैट्स जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि फैट्स जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मास को, बॉडी मास को बढ़ाता है, यानी कि आपके वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो फैट्स जो होंगे, क्योंकि हम बटर की फॉर्म में, घी की फॉर्म में लेते हैं, वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है और अल्टीमेटली हमारे बॉडी के वेट को बढ़ाता है. लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करते हैं तो फैट्स जो होते हैं वो बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बैलेंस्ड डाइट का बताया था, कि हमें अपनी डाइट जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में रखनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. और ये जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एथलीट है या कोई एक लेबर क्लास का कोई आदमी है, उसे क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए. तो वो अगर बटर भी खाता है या घी भी खाता है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बॉडी में जो बटर और घी उसने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए अगर वो फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हुए हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक नहीं है. लेकिन फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है वो फैट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए. एंड प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है. प्रोटीन्स क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं. प्रोटीन किस लिए चाहिए हमारी बॉडी को? प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए. ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज्ड टिश्यूज है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है ना, उस टिश्यू को, उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो रोज डेड होते हैं और रोज नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो अगर कोई सेल उनमें से डेड ना होकर कोई डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. तो हमें अपने डाइट में प्रोटीन्स भी लेने चाहिए, जो कि हमें दालों से मोस्टली मिलते हैं. ठीक है, सोयाबीन जो है, अगर वेजिटेरियन है आप, तो सोयाबीन जो है वो दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. Then vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins हमें क्यों लेने चाहिए? Vitamins हमें diseases से बचाते हैं. जैसे कि vitamin A जो है वो हमें night blindness से बचाता है. Vitamin B जो है वो हमें nervous system के जो disorders हैं उनसे बचाता है. Vitamin C जो है वो हमारे teeth और gums के जो disorders हैं उनसे हमें बचाता है. हमें हमारे teeth और gums को healthy रखने में help करता है, क्योंकि हमें citrus fruit से मिलते हैं. Then vitamin D जो होता है वो bones के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो जो कि हमें मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से, तो इसलिए हमें विटामिन्स को भी कंज्यूम करना चाहिए अपने डाइट में.
ऐसा नहीं है कि अगर हमें बॉडी बनानी है या हमें अगर अपनी बोन्स को हेल्दी रखना है तो हम विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, तो हमें एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं, हमें कम अमाउंट में भी नहीं, हमें बैलेंस्ड अमाउंट में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना चाहिए. बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. बैलेंस डाइट जो होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं और उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी होता है जो कि हमारी बॉडी में से वेस्ट को निकालने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साथ ही साथ इस चैप्टर में आपने बहुत सारे टेस्ट को भी पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को पढ़ा, प्रोटीन के टेस्ट को लिखा पढ़ा और फैट्स के टेस्ट को देखा, तो उनको भी आप सेपरेटली अपनी बुक में लिखेंगे. साथ में आपको ये वाला टेबल भी बनाना है, सब डिजीजेज और डिसऑर्डर्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सा हो सकता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कैल्शियम किस लिए जरूरी है, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घेंगा, ठीक है, इसको बचाने के लिए, ऐसे बचने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्ट खाते हैं, आयोडाइज सॉल्ट, राइट. देन आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया. एनीमिया से क्या हो जाता है कि हमारे को किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता, लेजीनेस हम लोग फील करते हैं, तो वीकनेस हमें फील होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक सस्ता सा सोर्स जो है जैसे जिसको हम बोलते हैं गुड़, वो हमें अपने क्वांटिटी अपने फूड फूड के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. छोटा सा अमाउंट का अगर हम गुड़ खाते हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है. देन विटामिन ए के लिए आपको जो येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कंज्यूम करने चाहिए, जैसे कि पपाया है, जैसे कि पम्पकिन है जिसको हम लोग पेठा बोलते हैं हिंदी में, वो कंज्यूम करना चाहिए. येलो फ्रूट्स जो भी हैं, ये येलो वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स होती हैं, वो हमें खाने चाहिए. बी के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए. विटामिन सी के लिए हमें खट्टे फ्रूट्स या सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें आ जाता है लेमन, जिसमें आ जाता है आंवला, ठीक है. आंवला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंवला को बोलते हैं इंडियन गूजबेरी, ठीक है, वो भी हमें खाना चाहिए. विटामिन डी के लिए हमें दूध पीना चाहिए. तरह से ये सारा टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोटबुक में ये टेबल जो है वो कॉपी करना है. देन हमने टेस्ट पढ़े, इसके अंदर टेस्ट भी पढ़े हैं जो कि ये टेस्ट करने के काम में आते हैं कि किसी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या किसी में प्रोटीन है या किसी में फैट्स हैं या नहीं, तो इन सब के टेस्ट भी आपको इस चैप्टर के अंदर गिवन है, तो वो भी आप उनको अच्छे से अपने चैप्टर में लिखेंगे, राइट. उसके साथ ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को